सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने एक नया आप लोग हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन फ्यूजन एंड कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कल्चर एंड आइसोलेशन, इस पूरे टॉपिक को हमने पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट कराने वाली हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले तो ये जो जर्म प्लाज्म है इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज जर्म प्लाज्म? तो ये जर्म प्लाज्म जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है जर्म से, जर्म सेल से। अब ये जर्म सेल्स क्या होते हैं पहले इनका पता होना चाहिए आपको, उसके बाद आप बाकी चीजों को समझ पाएंगे। सो व्हाट इज जर्म सेल्स? किसी को पता है जर्म सेल्स किसको बोलते हैं? मुझे पहले पता रहना चाहिए कि आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में। अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो मैं बताऊंगी। किसी को मालूम है जर्म सेल्स किसको बोलते हैं? आइडिया है किसी को? मैम, गैमेट सेल्स। गैमेट सेल्स को। देखिए जो जर्म सेल्स रहते हैं एक्चुअली जो है ये किससे रिलेट करते हैं? जो जर्म सेल्स होते हैं ये रिलेट करते हैं हमारी हेरिडिटी से। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है उस चीज से रिलेट करते हैं हमारे जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स के अंदर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जर्म सेल्स की कैटेगरी में आपके स्पर्म्स आते हैं जो मेल में होते हैं। और फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल में जर्म सेल्स क्या होंगे? एग्स। ठीक है, तो जर्म सेल मतलब जो हेरिडिटी से रिलेट कर रहे हैं और वो जो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, जो गैमिटोफाइट्स का निर्माण करते हैं, गैमिट्स का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स से गैमिट्स कैसे बनेंगे? जब स्पर्म और एग का मेटिंग होता है, स्पर्म और एग के उपरांत, इसलिए जर्म सेल्स के अंतर्गत कैटेगरी में हम स्पर्म्स और एग्स को रखते हैं। ये मैंने बताया जर्म सेल्स के बारे में। अब मैं जर्म सेल्स के बारे में बता की रही हूँ ये आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जर्म प्लाज्म जो है, जो वर्ड है जर्म प्लाज्म, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। जर्म प्लाज्म ब्रॉडली रिफर्स टू द हेरिडिटी मटेरियल। ये जो जर्म प्लाज्म है इसका अगर डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाए, कि एक लाइन में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज जर्म प्लाज्म, देन यू हैव टू से इट्स अ हेरिडिटरी मटेरियल। ये क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है हमारा। ठीक है, जो हेरिडिटरी से रिलेटेड है मतलब जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जो कि क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। ठीक, तो हेरिडिटी मटेरियल है तो ये करता क्या है जर्म प्लाज्म? चलो ठीक है, पता चल गया हेरिडिटी मटेरियल है, बट इसका मोटिव क्या है, ये करता क्या है, इससे क्या फायदा होता है? ठीक है, तो पहली बात तो ये, अगर हेरिडिटी मटेरियल बोला जा रहा है इसे, दैट मीन्स ये क्या है, टोटल कंटेंट ऑफ जीन, टोटल कंटेंट ऑफ जीन मतलब जिसमें आपका पूरा जीन जो है वो समाहित है, वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हेरिडिटी मटेरियल कहलाएगा, जो टोटल कंटेंट ऑफ जीन है, जिसे हम एक्चुअल में बोल रहे हैं जर्म प्लाज्म। ठीक है, अब ये जो है क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि जब स्पर्म और एग का, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग का जब मेटिंग होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन के क्रिया के उपरांत जो है क्या बनता है आपका, जायगोट का निर्माण होता है, ये गैमेट्स बनेंगे आप लोगों के, जो क्या होते हैं वही आगे जाके क्या होते हैं, एक पूरा भ्रूण का विकास करते हैं और एक पूरा बेबी डेवलप होता है। ठीक है, तो आपका जो मेल का स्पर्म था उसमें कुछ मेल के गुण थे और फीमेल का जो एग था उसमें फीमेल के कुछ गुण थे, जो वो दोनों के क्रॉस से क्या हुआ, फ्यूजन से क्या हुआ, एग वो बना, जायगोट बना। तो जायगोट में दोनों के गुण जा रहे हैं कि नहीं? तो जो जीन्स हैं वो माता के भी गुण जीन्स जा रहे हैं, पिता के भी जीन्स जो है वो भी जा रहे हैं, जो जायगोट बना है उसमें। तो वो क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं?
इसलिए तो बोलते हैं ना कि ये इसकी शक्ल इसके पापा से मिलती है, इसकी शक्ल इसकी मम्मी से मिलती है, इसकी आंखों का रंग इसके पापा के आंखों के रंग के जैसा है, इसका रंग इसकी मम्मी पे गया है। ये क्यों? क्योंकि जो गुण है वो ट्रांसफर होते हैं, जो गुण सूत्र बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। तो जो जर्म प्लाज्म है ये हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, जो टोटल कंटेंट ऑफ जीन कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। मतलब आने वाली कोशिकाओं, आने वाली संतति कोशिकाओं में, ऑफस्प्रिंग्स में, डॉटर सेल्स में, या आने वाले जेनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रीडर टू डेवलप वेरियस क्रॉप। अब अगर प्लांट की दृष्टि से देखें तो प्लांट बायोटेक में आप बोलोगे मैडम हम जीन्स पे कहाँ से आ गए, जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया आपने, तो हम जर्म प्लाज्म क्यों देख रहे हैं, जीन्स क्यों देख रहे हैं, हेरिडिटी मटेरियल क्यों देख रहे हैं इन प्लांट बायोटेक? तो उसका रीजन ये है कि जर्म प्लाज्म जो है, आप सभी अच्छे ने जान लिया कि ये टोटल कंटेंट ऑफ जीन रहता है, मतलब जीनों का, जीन्स का एक पूरा गुच्छा है आपके पास जो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, ये तो हम समझ गए। बट ये जो जर्म प्लाज्म है, अगर हम प्लांट्स की दृष्टि से पढ़ें तो प्लांट्स के लिए ये जो जर्म प्लाज्म रहता है ये खजाना होता है, बहुत बड़ा ट्रेजर है खजाना। क्यों? क्योंकि ये प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, जो प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं, नए नए प्लांट्स बनाते हैं, उनके लिए ये जो जर्म प्लाज्म रहता है ये एक तरीके से रॉ मटेरियल के जैसे कार्य करता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, किसी भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। खाना भी बनाते हैं, अगर आप सब्जी भी बना रहे तो रॉ मटेरियल क्या रहता है, सब्जी काटेंगे तो रॉ मटेरियल, आलू काटेंगे, प्याज काटेंगे, मिर्ची काटेंगे, रॉ मटेरियल। ठीक है, जिन चीजों से आप बनाने वाले हैं दैट इज रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, ब्रेड भी खा रहे हैं तो मैदा से बन रहा है, मैदा आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, जो ब्रेड बनता है वो मैदे से बनता है, क्योंकि रोटी खा रहे हैं उसके लिए आटा यूज हो रहा है गेहूं का, तो गेहूं क्या, आटा क्या हो गया यहाँ पर, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के जैसे कौन कार्य करता है, जर्म प्लाज्म कार्य करता है। किनके लिए? इन प्लांट ब्रीडर्स के लिए, जो प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं, नए नए प्लांट्स बनाते हैं क्रॉस करवा के, तो उनके लिए ये जो जर्म प्लाज्म रहता है ना ये बहुत बड़ा खजाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए कच्चा माल के जैसे कार्य करता है, रॉ मटेरियल के जैसे, क्योंकि इसी को वो यूज करके क्या करते हैं, नए नए क्रॉप्स को, नए नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं, नई फसलों का उत्पादन। जिन लोग के घर में खेती होती होगी या फिर खेती का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो आप लोग सुने होंगे कि ये जो अलग अलग किस्मों के जो चावल है, अलग अलग किस्मों की गेहूं जो है वो उगाए जाते हैं, नए किस्म के चावल आते हैं। कई बार कई लोग अपने घर में, जिनके घर में खेत होते हैं, एग्रीकल्चर का जो बिजनेस करते हैं जिन लोग, या फार्मर्स होते हैं जिनके घर वाले, आप लोगों ने सुना होगा कि एचएमटी का राइस, एचएमटी राइस कोई उगाता है, कई लोग जो बासमती राइस उगाते हैं, बासमती राइस में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, एचएमटी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो अलग अलग फसलें, कुछ ना किसी में कुछ क्वालिटीज होती है, अलग अलग चीजों की अलग अलग क्वालिटी, किसी में खुशबू आ रहा है, किसी में एकदम व्हाइट कलर रहता है, किसी में जो बड़े लंबे लंबे दाने होते हैं राइस के। तो ये कैसे होता है पॉसिबल, इतना वैरायटीज कैसे आ पाती है? वैरायटीज इसलिए आती है कि जो प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, जो ब्रीडिंग करवाते हैं, वो नई नई किस्मों को, वेरियस क्रॉप्स को, नई नई किस्मों के फसलों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं वो। ठीक है, ताकि जो उपभोक्ता है, मतलब जो हमारे लिए अलग अलग वैरायटी आए, अलग अलग वैरायटी रहेगी तो अलग अलग रेट्स भी होते हैं, जिनका जो कम रेट का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अच्छे क्वालिटी वाला एकदम हाई क्वालिटी का जो है, बहुत जो है एक्सपेंसिव चावल रहेगा, उसे हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग ले रहे हैं। लेकिन ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि वैरायटीज भी रहे, और ये रिसर्च का एक बहुत बड़ा फायदा मंद होता है हमारे लिए, फायदेमंद होता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो हम दो किस्मों को जो है मिलाकर, फ्यूजन करवा के नया किस्म का नए फसल को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे पास रिसर्च का भी एक टॉपिक हो जाता है उस तरीके से ही। तो जर्म प्लाज्म जो है, चूंकि ये क्या है, टोटल कंटेंट ऑफ जीन है, हेरिडिटी मटेरियल है, तो ये प्लांट ब्रीडर्स के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो ब्रीडिंग करने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, वेरियस क्रॉप्स, जो वेरियस क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फसलें जो होती हैं, उन्हें वो डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जर्म प्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म से क्या किया जा सकता है, ये मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अब जर्म प्लाज्म समझ आ गया, हेरिडिटी मटेरियल होता है,
जर्म प्लाज्म को प्लांट ब्रीडर्स रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं ताकि वो अन्य बहुत प्रकार के फसलों को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। ये हमने समझ लिया। तो ये जो नया वर्ड जो है ऊपर जो लिखा हुआ है जर्म प्लाज्म, ये तो समझ आएगा। देन व्हाट इज जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन? देखिए दो चीजें पढ़ना है हमको इसमें, एक जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन पढ़ना है, फिर हम लोग को क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ना है। पहले तो हमको जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन पूरा समझना होगा, दैट व्हाट इज जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, देन विल गो फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जर्म प्लाज्म समझ आ गया, जर्म प्लाज्म क्या है। आप लोगों को देखना है कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किसको बोलते हैं। फिर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बोल रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोल रहे हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? रख रखाव या उनकी सुरक्षा। इस प्रकार के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि आपका जर्म प्लाज्म है, ये तो हम जान गए कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रिसर्च का बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट एक टॉपिक हो सकता है। हम अलग अलग तरीके के रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग किस्मों के फसलों को जन्म दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ये तो हम समझ गए। लेकिन इन जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंजर्वेशन का मतलब आपके लिए हिंदी वर्ड अगर बोला जाए तो वो होता है संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण। अब ये जो जर्म प्लाज्म है इनका कंजर्वेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन ऑल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लांट का ऐसा जीन है जिसमें ये सक्षमता पाई जा रही है कि उसमें चाहे कितना भी मौसम खराब हो जाए उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, ना खराबी आएगी ना खराब होगा वो पौधा। ऐसा वाला जीन जो है जर्म प्लाज्म मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी कि उस जर्म प्लाज्म को, उस जीन को मैं हर समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकूं, नॉर्मल इन्वायरमेंट में ऐसी रख दूं तो खराब हो जाएगा वो। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे? उसे संरक्षण करके रखना पड़ेगा, उसे कंजर्व करके रखना होगा, और उसे मैं उस क्वालिटी को, उस जीन के बचा के रखूंगी ताकि आगे जाके मैं उससे और अच्छे प्लांट डेवलप कर सकूं। क्योंकि देखिए ये एक मेरे पास जर्म प्लाज्म है जिसके पास अच्छा गुण है, ऐसा गुण जिसपे कोई भी आपका बीमारी नहीं लगेगी, ऐसे पौधे का निर्माण कर सकता है ये जो जीन है, जो जर्म प्लाज्म है। तो मैं इसे क्या करूंगी? प्रिजर्व करके रख लूंगी, कंजर्व करके, और फिर आगे जाके फ्यूचर में। सब बेटा सब अपने आप को म्यूट रखिए। मैं इसे कंजर्व करके रखूंगी, संरक्षित करके रखूंगी, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि अब इसी जीन से, इसी जर्म प्लाज्म से आगे जाके मैं क्या कर सकती हूँ? एक नया पौधा डेवलप कर सकती हूँ। और जब मैं पौधा डेवलप करूंगी तो वो कैसा पौधा रहेगा जिसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि इसका जीन जो है बहुत शक्तिशाली जीन था, बहुत अच्छा जीन था। फिर इसी पौधे से फिर से मैं उस जर्म प्लाज्म को निकाल लूंगी और कंजर्व करके रख रखूंगी। तो कंजर्वेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि हम विशिष्ट गुणों वाले जो जर्म प्लाज्म होते हैं उन्हें अगर हम संरक्षित करके रखेंगे तो हम आगे के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए, जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ डेली लाइफ से। आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कुछ भाजियां जो रहती हैं खाने की, उन्हें सुखा कर रखा जाता है, ठीक है, उन्हें सुखा कर रखा जाता है और उन्हें बाद में उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं, उन्हें खाते हैं फिर बाद में। कुछ लोग खटास के लिए आम के छोटे छोटे टुकड़ों को सुखा कर रखते हैं, उन्हें फिर सब्जियों में डालते हैं खटास के लिए, ठीक है। इमली को भी तो सुखा के ड्राई करके रखते हैं, कई लोग खाने की चीजों को ड्राई करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, और तो फ्यूचर के लिए। तो ये भी हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, संरक्षण क्यों कर रहे हैं उसका, उसको बचा के क्यों रख रहे हैं, कंजर्व करके क्यों रख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग देम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। हम उन्हें फ्यूचर के लिए बचा कर रख रहे हैं, दैट हमको आगे काम आएगा। आगे ऐसा हो गया, अरे ऐसे वाला जीन हमको नहीं मिला तो हम उसे बचा कर रखते हैं ना, तो हम उसे बचा कर रखेंगे ताकि वो आगे हमको काम आए फॉर फ्यूचर, ताकि हम और भी डेवलप कर सकें उससे अच्छी चीजों को। 1 मिनट, लाइट चले गई है यहाँ।
अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का तात्पर्य ये बताया जा रहा है कि आपका जो प्लांट है, प्लांट का जो जर्म प्लाज्म है, एक ऐसा जीन, कोई भी जीन जो अच्छे गुणों वाला जीन है, उस जर्म प्लाज्म को, कंटेंट ऑफ जीन जो रहता है, वेरियस टोटल कंटेंट ऑफ जीन, उसे हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण करके रख रहे हैं, उसका कंजर्वेशन करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि हम आगे जाके क्या करवा सकें, ब्रीडिंग प्रोग्राम करवा सकें। ब्रीडिंग प्रोग्राम करवा सकें तो ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा तो क्या होगा, हम नए नए ब्रीडिंग करवा सकते हैं पौधों के, नए नए ब्रीडिंग करवा पाएंगे पौधों के, तो नए प्लांट्स डेवलप करवाएंगे, करवा सकते हैं हम लोग, नई किस्में ला सकते हैं फसलों के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म को, जो कि टोटल कंटेंट ऑफ जीन होता है, जो कि एक हेरिडिटी मटेरियल है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि हम उसे प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकें, ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकें, फ्यूचर रेफरेंस में नई किस्मों के पौधे और फसलों को डेवलप कराने में यूज कर सकें। ठीक है, तो ये आपका था जनरल इंट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का। ठीक है, अब जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे जो है उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं, जितना कंज्यूम करने वाले, जितना चावल नहीं है उससे ज्यादा खाने वाले लोग हैं, ठीक है, जितना जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, होमलेस लोग रहते हैं, इसलिए कई बार कई लोगों के पास घर नहीं रहता, गरीब लोग फुटपाथ पे रहते हैं। तो फूड और शेल्टर का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को लेकर भी एक चीज लागू होती है कि प्लांट से हम लोगों को फूड मिल रहा है, प्लांट से हम लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध करा रहा है प्लांट हम लोगों को, लेकिन प्लांट्स, वो प्लांट्स जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, उसको हम लोग हमेशा कंजर्व करके अगर रखना चाहते हैं उसके जीन्स को जो फायदेमंद है, तो उसके लिए हम लोग जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर सकते हैं। और प्लांट इसलिए भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि प्लांट हम लोगों को ना सिर्फ आपका फूड के लिए जरूरी है, खाना तो दे ही रहा है, और साथ ही साथ फूड के साथ साथ हमको शेल्टर भी दे रहा है, मतलब रहने के लिए जगह। लकड़ियों से बहुत सारे घर बनते हैं, लकड़ियों की बहुत सी चीजों से घरों के सामान बनाए जाते हैं, तो फूड और शेल्टर दोनों चीजें हमें कौन प्रदान कर रहे हैं, प्लांट, प्लांट के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इसीलिए ही जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का तरीका जो है, इस टेक्निक को यूज किया गया, ताकि हम उन प्लांट्स को जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे पौधों को, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कर सकें, सेव करके रख सकें। और सेव करके रखेंगे सेविंग के लिए, उनके उनके बीज के सेविंग के लिए, उनके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोपोग्यूल्स के सेविंग के लिए, ताकि हम इस सीजन में उगा लिया, मान लीजिए अगले सीजन में वो उगा ही नहीं, तो ऐसा मौसम नहीं रहा कि उगा पाए, तो फिर हम कृत्रिम तरीके से भी उसको उगा सकते हैं, अगर हमारे पास उसका क्या रहेगा, जर्म प्लाज्म रहेगा, तो जर्म प्लाज्म रहेगा तो हमारे पास उसका जीन रहेगा, जीन से हम उसको कंप्लीटली तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर रहे हैं ताकि हम सेव करके रख सकें अच्छे गुणों वाले पौधे को, जो हमारे लिए फायदेमंद है, और हम उन्हें हर सीजन में ग्रो करवा सकें। तो इन अदर वर्ड्स अगर में भी बोला जाए, अगर रिगार्ड किया जाए, तो प्रिमिटिव्स बट कन्वेंशनल जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन, जब जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करने का जो आप लोगों का मेथड है, वो आपका कहलाता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन।